जब से संभला हूं कई हादसों से लड़ा हूं मैं, जब से संभला हूं कई हादसों से लड़ा हूं मैं। उम्र की क्या बात करते हो, तजुर्बे और विचारों में उससे भी बड़ा हूं मैं। तेरे हर वार का पलटवार हूं मैं, तेरे हर वार का पलटवार हूं मैं। यूं ही नहीं कहलाता शरद पवार हूं मैं। एक पे से नाम हटाने से क्या मेरा कर्तृत्व तो मिटा सकते हैं, क्या मेरा इतिहास मिटा सकते हैं, या लोगों के दिलों की जो एक छवि है वो छवि कौन मिटा सकता है। और एक दिन पहलवानों ने उस्ताद का हाथ छोड़ दिया और एक दिन उस्ताद को ही लड़का दिया। जब पहलवान ने उस्ताद को अखाड़े में लड़काया तो उस्ताद ने सिर्फ इतना कहा, आपको लगता है मैंने आपको सब दाव सिखाए, उस्ताद का एक दाव बाकी रहता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब, आदरणीय मास्टर जी, शास्त्री जी, जितेंद्रावर साहब, नरेंद्र जी वर्मा, महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, सभी पीसी चाको जी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, आप सभी उपस्थित मान्यवर, हालांकि यहाँ पे बैठे कई लोगों से उम्र में छोटा हूँ इसलिए कुछ सुझाव नहीं देना चाहूंगा, लेकिन हाँ कुछ निरीक्षण है वो जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि देश की जो हालात है इससे हम भली भांति वाकिफ है। लेकिन विद्रोही जी ने अपने भाषण में कहा कि जिन जिन शब्दों के अंत में न आता है वो सभी परेशान है, किसान है, नौजवान है, मुसलमान है। लेकिन विद्रोही जी, थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा कि सरकार में आज देश में और एक चीज के अंत में न आता है वो ही परेशान है जिसे इंसान कहते हैं। क्योंकि जब इंडिया गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन होने के बाद जल्दी से इंडिया का भारत करने की पहल की गई, लेकिन इंडिया कहो, भारत कहो, हिंदुस्तान कहो, कुछ भी कहो, लेकिन अगर मणिपुर में जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, उज्जैन में जो घटना होती है, तो अगर ऐसी घटनाएं घटती रही तो सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी या नहीं, और ये इंसान की परेशानी आज सरकार की, और ये देश की जो परेशानी है, हम सब महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी है, वो है एक्सक्लूजन पॉलिटिक्स। अभी आदरणीय जयंत पाटिल साहब ने अपने भाषण में कहा, शायद ये हो सकता है कि किसी मुल्क पे हमला होने की कुछ संभावनाएं बोली जा सकती है, लेकिन उसी के साथ जो 22 जनवरी को होने वाला है अयोध्या में राम मंदिर का जो लोकार्पण होने जा रहा है, देखिए प्रभु श्री राम जी से कोई आपत्ति नहीं होनी भी नहीं चाहिए, हमारे ही भगवान है, लेकिन एक संस्कृति है जो महाराष्ट्र में लिखी जाती है, पूरे देश में लिखी जाती है। कोई किसी अनजान आदमी से आप मिलते हो तो आप क्या करते हो, कोई सलाम कहता है, कोई नमस्कार कहता है, और वैसे ही कौन कहता है, राम राम कहता है। तो हमारी संस्कृति है एक दूसरे को मिले तो राम राम कह के जोड़ने की, लेकिन अगर जय श्री राम करके तोड़ने की अगर संस्कृति इस देश में आए तो इस देश ने उस संस्कृति को नकारना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रभु श्री राम जी की जो प्रतिमा हमारे दिल में, जो छवि हमारे दिल में है, बचपन से आपने जो छवि देखी है, जो प्रतिमा देखी, कौन सी देखी है, प्रभु श्री राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, नीचे बैठे हनुमान जी, और प्रभु श्री राम जी का हाथ आशीष के लिए उठा हुआ है, ये प्रतिमा हमारे दिल में है। धनुष की प्रत्यंचा ताने हुए किसी पे हमला करने वाले प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा अगर हम पे थोपी जाए तो हमें कौन से श्री राम को चुनना है, ये हमें समाज को, ये हमें देश को बताना है। और इस माहौल में जो पवार साहब की अहमियत है, ये बार बार मैं उजागर करता हूं, ताल कटोरा स्टेडियम में जब हुआ था सम्मेलन तभी भी मैंने ये बात दोहराई थी, फुले शाहू अंबेडकर जी की बात करते हैं, लेकिन हमारी जनरेशन ने महात्मा फुले जी को देखा है, ना बाबा साहब अंबेडकर जी को देखा है, ना राजा श्री शाहू महाराज को देखा है, लेकिन उनके जो प्रिंसिपल्स है, उनके जो तत्व है, उनके जो विचार है, उन विचारों पर 55 सालों से ज्यादा एक व्यक्ति को चलती हुई देखा है, और वो व्यक्ति आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब।
और जब आदरणीय भवान साहब के साथ अभी जयंत पाटिल साहब ने कहा महाराष्ट्र की चिंता मत कीजिए, मैं उसी बात को दोहराऊंगा, महाराष्ट्र की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि पवार साहब के साथ जब महाराष्ट्र में कई रैलीज में हम घूमते चाहते थे तो पीछे की गाड़ी में बैठ के एक चीज ऑब्जर्व करता, ये ऑब्जर्व नहीं करता कि पवार साहब रैली में क्या भाषण करेंगे, ये ऑब्जर्व नहीं करता कि रैली में कितनी भीड़ आएगी, लेकिन एक निरीक्षण बहुत जरूरी है कि हमने कई लोगों के वीडियो देखे कि खाली सड़कों पर हाथ दिखाते हुए जाने वाले लोग भी अपने देश में है, लेकिन जब पवार साहब का काफिला महाराष्ट्र के रस्ते से निकलता है बर्तन मांझती हुई महिला बर्तन छोड़ के आके देखती है पवार साहब को, युवा आके देखता है पवार साहब को, किसान अपना काम छोड़ के देखता है पवार साहब को, सवाल यह उठता है ये सब लोग पवार साहब को क्यों देखते हैं, जो लोग पिछले 5 दशकों से पवार साहब को देख रहे हैं आज उनके नजरों में पवार साहब के प्रति अलग भाव है, वो भाव क्या है वो बताना चाहूंगा। किसी ने कहा अपनों से जब वार होता है, मैं वही बोलू, जब धोखे से पीठ में वार होता है ना तो दर्द यहां नहीं, दर्द यहां उठता है, और जब दर्द यहां उठता है तो दो विकल्प होते हैं, या तो दर्द से आंखों में आंसू निकल आते हैं, या फिर उस दर्द का परिवर्तन संघर्ष में हो जाता है, और जो उसका परिवर्तन संघर्ष में करता है उसको संघर्ष योद्धा के रूप में देखते हैं, ये संघर्ष योद्धा के रूप में आज पूरा महाराष्ट्र आदरणीय पवार साहब को देखता है। जब यहां आ जाता तो बार मीडिया ने पूछा कल चुनाव आयोग की ये नहीं शुरू होगी क्या होगा, सिंबल का क्या होगा, पार्टी का क्या होगा। मुझे किस्सा याद आया, एक बुजुर्ग का बर्थडे था, तो बुजुर्ग का बर्थडे था तो कई लोग उसके बर्थडे में शरीक होने आए, हर कोई उत्साहित था कि हम बर्थडे मनाने जा रहे हैं, क्योंकि उस बुजुर्ग ने उतना किया था, उसने घर खड़ा किया था, उसने उस घर की नींव डाली थी, उसने वो दीवारें खड़ी की थी, उसने वो छत बनवाई थी, उसने उस पूरे परिवार को एक विकास के राह पे लेके गया था, लेकिन जब बुजुर्ग का केक सामने आया तो किसी ने केक पे बुजुर्ग का नाम ही हटा दिया, तो सब परिवार वाले हक्का बक्का होके हड़बड़ा गए, अरे जिस बुजुर्ग ने यह सब खड़ा किया उसी का नाम केक से हटा दिया, और सब जब चिंता में थे तब बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले केक पे से नाम हटाने से क्या मेरा कर्तृत्व मिटा सकते हैं, क्या मेरा इतिहास मिटा सकते हैं, क्या लोगों के दिलों की जो एक छवि है वो छवि कौन मिटा सकता है, और इसलिए कल क्या होगा इसके बारे में ज्यादा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जो करने वाले वो मेरे हाथ में नहीं तो उस पर भाष्य क्यों करूंगा, लेकिन एक तत्व है देश का, एक तत्व है कि न्याय मांगा जाता है, न्याय एक बार मांगा जाता है, न्याय दो बार मांगा जाता है, न्याय तीन बार मांगा जाता है, लेकिन अगर मांगने से न्याय नहीं मिलता तो दम उतना रखना चाहिए कि न्याय छीनने की ताकत रखनी चाहिए, और ये न्याय छीनने की ताकत लोकतांत्रिक स्वरूप से, लोकतांत्रिक रूप से जब जाएगी तो ये जो दर्द यहां उठा है इस दर्द को अगर पाले तो इस ताकत को हम इतना बड़ा कर पाएंगे कि हर आने वाले चुनाव में आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में अपने विजय का परचम लहराएगा, क्योंकि हां ये भलीभांति सब जानते हैं कि समय कठिन है, समय कठिन है, लेकिन उसी के साथ इस बात पर भी गौर फरमाना चाहिए कि तलवार की परीक्षा रण मैदान में होती है और इंसान की परीक्षा कठिन समय में होती है। बाहर मीडिया वालों ने और एक बात पूछी, कुछ लोगों ने कहा कि सामने कट्टा वर्ग, ऐसे एक वाक्य बता रहा हूं, एक उस्ताद थे, उस्ताद ने बड़े बड़े पहलवान तैयार, पहलवानों को सिखाया, पहलवानों ने बहुत सारे दंगल जीते, तो कोई पहलवान ये श्री कहलाया, वो पहलवान कोई केसरी कहलाया, सब होते गया और पहलवान का कद इतना बढ़ गया कि पहलवानों को लगा कि हम कुश्ती के सब दाव जानते हैं, और एक दिन पहलवानों ने उस्ताद का हाथ छोड़ दिया और एक दिन उस्ताद को ही लड़का दिया। जब पहलवान ने उस्ताद को अखाड़े में लड़का तो उस्ताद ने सिर्फ इतना कहा
आपको लगता है मैंने आपको सब दाव सिखाए, उस दाव का एक दाव बाकी रहता है और ये दाव आने वाले समय में जरूर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि जब कठिन समय होता है तो हर आदमी के पास दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है जब आपकी पीठ दीवार से सट जाती है और सामने वाला आप पे हावी होने की कोशिश करता है, तो दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है शीश झुकाकर उसको शरण जाना, और दूसरा विकल्प होता है सीना तान कर मुकाबला करना। इतिहास शरणागतों का नहीं लड़ने वालों का लिखा जाता है, क्योंकि आप इस कैदों के लिए आते हैं तो आगरा गए, आगरा गए, आगरा का लाल किला देखा है आपने? देखा है? आगरे के लाल किले में वास्तव में किसका था? शहंशाह औरंगजेब का था, जिसका काबुल से बंगाल तक जिसकी सल्तनत थी, उस औरंगजेब का वास्तव में आगरा के लाल किले में था। इस लाल किले में कितने लोगों ने कदम रखा होगा, कितने राजाओं ने, कितने महाराजाओं ने, कितने सुल्तानों ने, कितने सरदारों ने कदम रखा होगा, लेकिन आगरा के लाल किले के बाहर अगर किसी की मूर्ति है, अगर किसी का स्टैचू है, तो किसका है? शिवाजी महाराज। आगरा के लाल किले में कई सुल्तानों ने, कई राजाओं ने, कई महाराजाओं ने कदम रखा, लेकिन बाहर अगर आज भी स्टैचू है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज का है, जिन्होंने ये संदेश दिया है कि दिल्ली के आगे शीश झुकाना हमें गंवारा नहीं है। और ये लड़ने वालों का जो इतिहास है, इस इतिहास को हम स्मरण करें, इस इतिहास को याद करें, तो आने वाला समय जरूर हमारा होगा। अधिकारी जी, आपने एक बात कही, मैं निर्णय देने वाला हूं नहीं, क्योंकि हम सिपाही है और सिपाही का धर्म यह होता है कि सेनानी जो भूले उस काम पे वो अग्रेसर हो जाए, तो आपके प्रदेश में जरूर सांसद होने के नाते आपके प्रदेश में अगर कोई कार्यक्रम हो तो आदरणीय पवार साहब की अनुमति से जरूर आने की मैं कोशिश करूंगा। ये आपको मैं शब्द देता हूं और अंत में इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूं कि लोग बहुत सारी बातें करते हैं। अभी किसी ने कहा बहुत सारा कंफ्यूजन, गोवा के हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया करते हैं, इसके बारे में बोलना चाहूंगा। जब से संभला हूं कई हादसों से लड़ा हूं मैं, जब से संभला हूं कई हादसों से लड़ा हूं मैं, उम्र की क्या बात करते हो, तजुर्बे और विचारों में उससे भी बड़ा हूं मैं, तेरे हर वार का पलटवार हूं मैं, तेरे हर वार का पलटवार हूं मैं, यूं ही नहीं कहलाता शरद पवार हूं मैं, शरद पवार हूं मैं। इसलिए भाइयों, कुछ देर की खामोशी, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। उनका तो वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा, हमारा तो दौर आएगा। धन्यवाद।